Hi. Today we are doing 30-60 90 degree theorem and 45-45 90 degree theorem. आज 30-60 90 आणि 45-45 90 चे प्रमेय होणार आहेत. दोन्ही प्रमेयांचं ऍप्लिकेशन पूर्ण सिलेबस मध्ये आहे. आने वाले चैप्टर में भी इसका यूज होने वाला है. सो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर अटेंटिवली. ऑल द बेस्ट. थोड़ा रिवीजन. ट्रायंगल ABC. Angle B equal to 90 degree. AB is 24, BC is 10. We have to find AC. काटकोण करणाऱ्या दोन बाजू भेटल्यात. आपल्याला कर्ण काढायचे. हायपोटेनस वी हॅव टू फाइंड आउट. विल बिगिन विथ जो भी राइट एंगल वाली है एडजस्टेंट साइड से वो लिख लेते हैं. काटकोणाला लागून असलेल्या बाजू लिहून घेऊया. AB एंड BC. AB स्क्वेअर BC स्क्वेअर. हायपोटेनस ऑलवेज अकेला. कर्ण नेहमी असणार एकटा. आपल्याला लिहायचं रीजन. पायथागोरस थिअरम. पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार विल फिल इन द ब्लँक्स. AB इज 24 स्क्वेअर. BC इज 10 स्क्वेअर. AC वी हॅव टू फाइंड. 24 स्क्वेअर इज 576. 10 स्क्वेअर इज 100. AC स्क्वेअर वी हॅव टू फाइंड आउट. 576 100 676 AC स्क्वेअर. 30 तक स्क्वेअर बाहेर आहे तो पता चलेगा. 676 इज स्क्वेअर ऑफ 26. हा 26 वर्ग आहे. मग AC झाला 26. AC झाला 26. फायनल आन्सर इज ऑलवेज बॉक्स्ड. लेट अस सी एक्झाम्पल ऑफ अ कन्वर्स ऑल्सो. व्यत्यासाचं उदाहरण पण बघूया. ट्रायंगल ABC. AB 8, BC 17, AC 15. तीनो साइड्स आर गिवन. वी हॅव टू फाइंड वेदर ABC इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. ABC काटकोण त्रिकोण आहे का आपल्याला बघायचं आहे. ह्याचे स्टेप्स आहे अलग. ऑल थ्री साइड्स आर गिवन. ट्रायंगल ABC, AB, BC, AC. AB इज 8 स्क्वेअर 64. BC इज 17 स्क्वेअर 289. AC इज 15 स्क्वेअर 225. बडा वाला साइड अकेला. सुरुवात मोठी बाजू ठेवणार एकटी. बाकी दोघांची बेरीज. 64 प्लस 225 459 628 अँड 2 दॅट इज सेम. हे दोनों का टोटल हो गया सेम. सो देअरफोर 64 इज AB स्क्वेअर. 225 AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 289 इज BC स्क्वेअर. तो BC हो गया हायपोटेनस. देअरफोर ट्रायंगल ABC इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. त्रिकोण ABC हा काटकोण त्रिकोण आहे बाय कन्वर्स ऑफ पायथागोरस थिअरम. यहाँ पे जगह कम है तो दो कॉलम कर लिए मैंने. बट यू राइट डाउन इट नीटली. आपके पास जगह है पेपर पे लिखने के लिए. ओके. लास्ट लेक्चर वी एंडेड विथ वैल्यूज ऑफ साइन. साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री. साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2. ओके. अगेन साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2.
there are two set square in our compass. तेतला हा जो पहला वाला है ना, that is 30, 60, 90 30 degree, 60 degree, 90 degree, आणि हा सेम आहे 45 degree, 45 degree, 90 degree. सो दिस इज 30, 60, 90, दिस इज 45, 45, 90. एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए इज 60 degree, एंगल सी इज 30 degree, एंगल बी इज 90 degree. Therefore, साइड अपोजिट 30 degree. सबसे छोटी साइड कौन सी दिख रही है? ए बी. दिस स्मॉलेस्ट एंगल, अपोजिट इज द स्मॉलेस्ट साइड. सर्वात लहान कोण? समोरची बाजू सर्वात लहान असते. 30 degree के सामने कौन सी साइड है? ए बी. 30 degree के अपोजिट ए बी. साइन 30 क्या था? 1/2 हाइपोटेनस. साइड अपोजिट 30 degree ए बी, ए बी इज हाफ हाइपोटेनस. इसमें भी ट्रिक ये ध्यान में रखना कि ऑलवेज वी विल टेक हाइपोटेनस ऑन द राइट साइड. हाइपोटेनस अपन नेहमी उजवीकडे घेणार, कर्ण उजवीकडे असणार. ए बी कितना रहेगा? हाफ ऑफ ए सी. इफ ए सी इज 10, ए बी इज 5. इफ ए सी इज 16, ए बी इज 8. इफ ए सी इज 20, ए बी इज 10. नाउ साइड अपोजिट 60 degree. 60 degree च्या समोरची बाजू आहे बी सी. साइन 60 कितना था? 2/3. ओके, सो 60 के अपोजिट की साइड बी सी, बी सी विल बी √3/2 हाइपोटेनस. ट्री कोई हाइपोटेनस ऑन राइट साइड. ध्यान में रखेंगे साइन की वैल्यू. तो 30 degree के अपोजिट साइड ए बी, ए बी इज हाफ ए सी. एंड 60 degree च्या समोरची बाजू आहे बी सी, बी सी इज √3/2 ए सी. हे तर तुम्ही मला सांगाल, तुरंत बता देंगे हम लोग. ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज 45 degrees, एंगल आर इज 45 degrees, एंगल क्यू इज 90 degree. देयरफॉर साइड अपोजिट 45 degree. 45 degree के अपोज की साइड है पी क्यू. कितना था साइन 45? 1/√2. राइट साइड में हमेशा रहेगा हाइपोटेनस. तो वील कीप इन माइंड, हाइपोटेनस हमेशा लिखेंगे राइट साइड में. हाइपोटेनस लिया से उस भी खड़े. 45 degree के अपोजिट साइड क्यू आर, इट इज ऑल्सो 1/√2 हाइपोटेनस. एंगल के सामने वाली बाजू टू द लेफ्ट साइड, हाइपोटेनस ऑलवेज ऑन द राइट साइड. हाइपोटेनस ऑलवेज ऑन द राइट साइड. कर्ण नेहमी उजवीकडे लिहायचं सबल लावून द्या. लेट अस सी टू सिंपल क्वेश्चन, कंपेरेटिवली क्लियर होऊन जाईल. ट्रायंगल डी एफ, एंगल डी 60, एंगल एफ 90. तो 60 और 90 है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इज 30 degree. तीनों के टोटल 180 होनी चाहिए. तो दिस इज 30, 60, 90 क्वेश्चन. ट्रायंगल एम एन सी, सी एम एन, एंगल कभी भी रहता है पीच वाला. इस 45 degree, तो एंगल एम 45 degree है. सी एन एम, एंगल एन है 90 degree. तो एक 90 है, 45 तो बचा 45 degrees. तो दिस इज 45, 45, 90 degree ट्रायंगल. एक बार क्लियर हो गया ट्रायंगल क्या है. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद दिस. एंगल डी ई एफ, एंगल डी 60 degree, एंगल एफ 90 degree. डी ई 16 centimeter, ई एफ फाइंड आउट. डी एफ आपल्याला काढायचं. सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. 30, 60, 90, वी नो हाउ टू ड्रॉ. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ट्रायंगल एम एन सी, एंगल सी एम एन इज 45 degree.
मिदला अक्षर है तो अस्तो एंगल ये रहेगा एंगल, एंगल एम 45 डिग्री, एंगल सी एन एम 90 डिग्री, ये बीच में जो है वो है 90 डिग्री। ओके लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द ट्रायंगल 45 45 90 वाला। carefully we'll fill up the prices values CMN M is 45 degree to M ho gaya 45 degree CN M 90 beech mein ka letter N 90 ye ho gaya N 90 degree CMN ye ho gaya C so obviously it is going to be 45 degree we'll start triangle MNC Angle CMN is equal to 45 degree. Angle CNM is equal to 90 degree. Therefore, बचा हुआ angle C. Angle C भी लिख सकते हैं. पूरा नाव लिया ऐसे तुम्हाला तर एका बाजूला N असणार, एका बाजूला M असणार. Is equal to 45 degree. Therefore, by 45 45 90 degree theorem. 45 45 90 प्रमेयानुसार 45 के सामने है MN, MN इज इक्वल टू साइन 45 था 1/√2, राइट साइड में हमेशा रहेगा हाइपोटेनस, कर्ण नेहमी असणार उजवीकडे, 45 च्या समोरची बाजू आहे MN, MN लिहिलं बरोबर, उजवीकडे नेहमी असणार कर्ण, लिंग ब्लँक्स करते तो एम एन एम सी सी एम वॉज गिवन 10 हा झाला 1/√2 × 10 एन्सर कानूनी तरीके से होना चाहिए 10/√2 बट 9 से थोड़ा सा रिवाइज करूया डिनोमिनेटर में रूट टू नहीं होना चाहिए तो कुछ आइडिया सर ने बताई रहेगी अलजेब्रा सर ने काय करायचं असते हा रूट टू घालवायचा आहे √2 √2 दिस बिकम्स 10√2 √2 √2 = 2 2 5 = 10 दिस इज अवर फायनल आंसर Final answer is boxed. इसका टेंशन मत लेना प्रैक्टिस करके हो जाएगा यहां तक समझ में आ गया है सबको सेकेंड वाला पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्या निकल गया MN अभी क्या निकालना बाकी है CN तो ट्रायंगल MNC में is a 45 degree 45 degree 90 degree triangle तो दो एंगल सेम है ना तो दोनों साइड्स आर ऑल्सो सेम सो सी एन इज गोइंग टू बी इक्वल सी एन इज इक्वल टू एम एन सो ऑब्विस्ली सी एन इज ऑल्सो इक्वल टू 5√2 त्याची पण किंमत असणार तेवढीच फायनल आन्सर बॉक्स डिफरंट क्वेश्चन ट्रायंगल जीएसटी जी 90 डिग्री एस 30 डिग्री जीटी 8 सेंटीमीटर जीएस एंड एसटी वी हैव टू फाइंड आउट वी विल बिगिन विथ ड्रॉइंग द ट्रायंगल रेडीमेड ट्रायंगल भी है केयरफुली काळजीपूर्वक किमती भरूया एंगल जी 90 डिग्री तो सबसे पहले आएगा जी 90 डिग्री एंगल एस 30 30 है ये तो दिस बिकम्स टी शुरुआत ट्रायंगल जीएसटी एंगल जी 90 डिग्री एंगल एस 30 डिग्री Therefore, angle T 60 degree. शुरुआत
triangle GST, angle G equal to 90 degree, angle S equal to 30 degree. Therefore, remaining angle T is equal to 60 degree. Therefore, triangle GST is a 30, 60, 90 degree triangle. त्रिकोण GST हा 30, 60, 90 चा त्रिकोण आहे. Therefore, by 30, 60, 90 degree theorem. अभी क्या दिया है? GT is given it. ये हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो पहले उसको ही उठाते हैं. साइड अपोजिट 30, GT. हाइपोटेनस हमेशा रहेगा साइड में. 30 साइन है 1/2, तो GT इज इक्वल टू 1/2ST. पर हाइपोटेनस नेम इज राइट ला लिया है, डोंट गेट कंफ्यूज. 30 के अपोजिट साइड है GT, GT हाइपोटेनस साइड में हाफ. आता वैल्यू आपल्याला भेटले ह्याची, GT मिला है तो GT के नीचे लिखेंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ST अपॉन टू, हेयर बिकम्स इन टू टू, तो ST बिकम्स 16 सेंटीमीटर. नहीं ST भेटला 16 सेंटीमीटर, मैंने फाइंड आउट किया तो आई बॉक्स इट. अभी फाइंड आउट करना है SG, तो अभी इजी है. SG इज अपोजिट 60, अपोजिट 60 SG, तो ये होता है रूट 3/2, ऑलवेज ऑन द राइट साइड हाइपोटेनस. तो SG बिकम्स रूट 3/2 ST, ST इज 16, 2 8 16, तो SG इज 8√3 सेंटीमीटर. फाइनल आंसर बॉक्स. लेट अस स्टडी द डायग्राम फर्स्ट. आकृती बघून घेऊया. PRQ, PRS, R 90, यहां पे 90 है तो यहां पे भी 90 होना चाहिए. ओके, 45 है, 90 है तो ऑब्वियसली दिस इज 45-45 90 डिग्री ट्रायंगल. यहां पे 30 है, 90 है तो दिस इज 30-60 90 डिग्री ट्रायंगल. हम लोग सब साइड फाइंड आउट करने हैं. ओके, QR, RS, PR, PS. थोड़ी हेल्प करून टाकतो तुम्हा लोकांना. शुरुआत करते ट्रायंगल PRQ. ट्रायंगल PRQ क्या लिखेंगे? एंगल Q इज 45 डिग्री, एंगल R इज 90 डिग्री. देयरफॉर रिमेनिंग एंगल P यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा. एक साइड में है Q, एक साइड में है R. इट इज ऑल्सो 45 डिग्री. ओके, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज 45-45 90 डिग्री ट्रायंगल. देयरफॉर बाय 45-45 90 डिग्री थ्योरम. के अपोजिट साइड है PR, साइन लिया था 1/√2, हाइपोटेनस ऑलवेज ऑन द राइट साइड. हा त्रिकोण है, हा नव्वद है, तो हा कर्ण है. कर्ण नेहमी उजवीकडे लिहायचा आहे. हाइपोटेनस ऑलवेज ऑन द राइट साइड लिखेंगे. ओके, सो PR है 1/√2 इंटू PQ. PQ कितना है? PQ इज 10√2, तो PR हो गया 1/√2 इंटू 10√2, √2 कैंसल, तो PR बिकम्स 10. आगे आपको करना है PR 10, तो RQR इज ऑल्सो 10 विथ रीजन. PR 10 मिला इन ट्रायंगल PRS,
second part. Angle S 30 degree, angle R 90 degree, P 60. तो angle PRS is 30, 60, 90 degree angle. Same as solution का ऐसे. तो ये मिला है हम लोग को 10. तो पहले इसको निकालेंगे, हो जाएगा 20. ये हो जाएगा 10 root 3. Just follow the procedure. Okay?